3, 2, 1. Welcome. अगर आपके घर में भी छुट्टियों की प्लानिंग चल रही है तो आपके लिए नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। 17 मई का कड़क मॉर्निंग सुना रहा हूं मैं हूं सूफी आपके साथ आपके शहर के फेवरेट रेडियो स्टेशन FM तड़का पर। अगर छुट्टियों की प्लानिंग कर रहे हैं तो कीजिए इंडियन रेलवेज के साथ। देश की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आज कौन है मेरे साथ शो पर? नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं शशि किरण, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी उत्तर पश्चिम रेलवे। आप मुझे सुन रहे हैं FM तड़का पर, अपनी सुनो। सर वेलकम बैक टू द शो। सवाल आज का मेरा ये है कि मान लीजिए हमने टिकट बुक कराया, अब ट्रैवल करने का टाइम आता है, ट्रेन में हम चढ़ जाते हैं, टिकट चेकर आते हैं हमारा टिकट चेक करने के लिए, तो क्या फिजिकली वो प्रिंट आउट रखना जरूरी है टिकट का? जी नहीं, एकदम आवश्यकता नहीं है। हम भी इस विश्वास करते हैं कि सेव पेपर सेव मनी। एंड अगर आपने विंडो टिकट लिया है, मतलब जो बुकिंग काउंटर से आप लेते हैं, जो पेपर टिकट आपको मिलता है, वो तो आपको प्रिंट आउट रखना जरूरी है। लेकिन अगर आपने IRCTC ऐप के माध्यम से टिकट बुक कराया है तो सिर्फ आप मैसेज जो उसका आता है वो दिखा सकते हैं, वो सफिशियंट है। बट आपको यात्रा में ट्रैवल करने के लिए, उस ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए, आप अपना मूल पहचान पत्र जो कि हमने लिस्टेड कर रखी है, वोटर आईडी कार्ड या लाइसेंस है, या जो हमने लिस्टेड कर रखी है आधार कार्ड, उसको आपको दिखाना पड़ेगा कंडक्टर को, ताकि वो यात्रा की अनुमति दे सके और फिर हमारी सुखद रहेगी, मजेदार रहेगी। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन विद अस ऑन कड़क मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सूफी जी, इट्स ऑलवेज नाइस टॉकिंग टू यू। अपने हॉलीडेज प्लान करते चलिए विद इंडियन रेलवेज और बढ़ाते चलिए देश की इम्यूनिटी। सुनते चलिए कड़क मॉर्निंग विद सूफी ऑन FM तड़का।